ਘੰਟੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਪਾ ਲਈ ਐ ਸੀ ਆਪ ਕਰ ਯਾਰ ਬਾਣੀ ਕੀ ਰਹਿ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट मंथली हेल्पलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में आपके साथ और हैप्पी संडे सेगमेंट लेकर आज आए हैं सियालकोट से। पहले भी आप हैप्पी संडे सेगमेंट हमारा देखते रहे हैं, लेकिन आज का जो हैप्पी संडे आपको ज़्यादा हैप्पी कर देगा, क्योंकि आज हम मौजूद हैं सियालकोट की एक इंतहाई अहम छत पर और उस्ताद आशिक हुसैन, जो कि कई मरतबा जो है चैम्पियन का खिताब भी ले चुके हैं, उनकी छत पर हम मौजूद हैं। उनके कबूतर में आपको दिखाएंगे और आपको बताते चलें कि इनके पास जो अपनी खास तैयार करदा ब्रीड है उसका ज़्यादातर हम आपको शौक करवाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को यही सवाल होता है कि जी कोर कमांडर क्या है, कोर कमांडर कौन से कबूतर हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि कोर कमांडर दर हकीकत कौन से कबूतर हैं। नुमान आपको अभी दिखा रहा था, ये पिंजरे में चंद एक कोर कमांडर ब्रीड से हमने जो है परिंदे निकलवाए हैं, और मेरा ख्याल है कि ये तमाम तर ये एक केज छोड़ के जो दो या तीन केजेस जो हैं इनमें ज़्यादातर कोर कमांडर ही है, चारों में वो हैं। ये चारों में ही जी कोर कमांडर जो हैं वो आपको दिखाएंगे। मंत्री हाइपलिंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपका दोस्त, आपका होस्ट कामरान अब्बास आपके साथ होगा और आपको दिखाएंगे कबूतर उस्ताद आशिक हुसैन साहब के। सबसे पहले हम बात करते हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं उस्ताद? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, ये जो कोर कमांडर ब्रीड है जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोर कमांडर नाम आपने क्या सोच के और किस वजह से रखा था? असल में ये मौजा अली ने इनका नाम रखा था पंजाब ब्रीड के नाम से। अच्छा, तो इनकी जो मादा है जो मतलब डेरे पे ये उड़ रही है इस तरफ, उसकी जो कारकर्दगी देख के माशाल्लाह कह लेंगे वो तकरीबन 95.6% जो है ना 96% या 5% यानी कि अभी तक वो तकरीबन मेरा ख्याल है यानी कि मतलब सीज़न में मतलब 10-10 मुकाबले 11-11 मुकाबले वो मादी उड़ी है। तो उसकी कारकर्दगी को देखते हुए मतलब उसकी माशाल्लाह 95% जो है ना मतलब परवाज़ें वो अंधेरे में हाँ, मतलब इस साल वो अभी वो टोटली मतलब अंधेरे में बैठ रही है। मैं 8:30 की दो परवाज़ें उसकी ओवर टाइम की और बाकी सारी 7 के बाद 6 के बाद की मतलब अंधेरे में। अच्छा, वो बैठ रही है। मतलब अभी जो आप बता रहे हैं जो कि आजकल के मौसम में वो ये परवाज़ें दे रहे हैं, तो एक दो ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, हमने उनमें जो कुछ लोगों की तरफ से बातें जो है सुनी है, तो वो कहते हैं कि क्या ये कबूतर जी ज्यादातर या तो बैसाख में उड़ते हैं हमने सुने हैं, या फिर हमने जी इसको अस्सू में उड़ता सुना है। आप इनके बारे में क्या कहेंगे कि जेट के हिसाब से ये इसका यानी के तकरीबन 10-11 इसके बहन भाई जो है ना अभी जेट में उड़े हैं, तो यानी के हमारी छात में केटू जो केटू कोर कमांडर है मतलब केटू गोल्डन के साथ क्रॉस करके ना हमने कोर कमांडर का 5 मिनट का मार्च यानी के वो बाजू में स्टैम्प कर लगवा के मतलब वो उड़ा है, तो एक भाई इसका 11 बाजियां उड़ा है, तो वो 8:45 तक वो भी बैठा हुआ है। मतलब जेठ यानी कि जो मैंने पीछे गुजरा है मतलब ये जेठ जो ठीक है 2018 का, इसमें 10-11 तकरीबन बहन भाई थे लास्ट जेठ में भी ट्राई किया और आखिरी बाजी में मतलब ये कोर कमांडर मादी मतलब आखिरी बाजी में ये 6:12 में बैठी थी कोर कमांडर मादी और इसका भाई तकरीबन बैठा था 6:30 बजे
यानी किसी यानी हालिया सीजन में ठीक। तो ये मतलब ये लोगों के करने की बातें हैं, मतलब जैसे भी कर लें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ब्रीड है देखिए, अगर आपकी अच्छी ब्रीड है तो इसको बढ़ाते हैं आप। बिल्कुल, हमारे पास अब माशाल्लाह ये सैकड़ों में हमने छोड़े हुए हैं। ठीक है, अभी आपके सामने ये देखे हमने छोड़े हुए, ऊपर भी है, ये ब्रीडर है जो अंडों में बैठे हैं वो नहीं निकाले। बिल्कुल सही। तो ये ब्रीडिंग में माशाल्लाह अगर कोई अच्छा परिंदा होगा तो आप नीचे वो डालेंगे, जोड़ों में डालेंगे। अच्छा, आप एक बात जरा बताएं कि आप क्या, आपका पैमाना क्या है कि आप क्या सोच के ये इस कबूतरों को जो है जोड़ों में लेकर आते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो पहले उड़ेगा उसी को जोड़ों में लगाना है, कि क्या फर्क भी कोई चीज है? इसमें मैं कहता हूँ पंजाबी जो मैं कहना है लबार्टी टेस्ट। अच्छा, लबार्टी टेस्ट इनके कबूतरों का जो लबार्टी टेस्ट होता है ना, वो होता है इनके आपकी छत पे उड़ा के। ठीक है, लबार्टी टेस्ट करके आप इनके उसको इनका जो ब्लड है ना, ब्लड लेना हमारे कबूतर परवरी की जो लैंग्वेज है उसमें हम लेते हैं ब्लड को लबार्टी टेस्ट में। लबार्टी टेस्ट क्या है कि आप उड़ा के चेक करते हैं, मतलब फोन ही निकालते हैं, मतलब आप परवाज लेके चेक करते हैं, जो अच्छा उड़ता है उसको हम कहते हैं जी हमारा ये फलां ब्लड है बहुत अच्छा, इसकी कारकर्दगी है, उस हवाले से हम इसको लेते हैं। बेसिकली कोर कमांडर कौन से कबूतर है यानी कि इसमें हमने 10 नंबर जो है जो इस सखी वाला यानी कि इधर जो दुबई से इम्पोर्ट किया था 10 नंबर मतलब सलारा, उसको हमने यानी कि कोर्ट मोहम्मद से मादी आई थी, नज़र मोहम्मद से। अच्छा, कहने के रामपुरी टच में वो डाल के हमने बनाए हुए, तो वो वहाँ पे उड़ी भी मादा लेकर आए थे हमारे पास जब हमने उड़ाई थी, मतलब इतनी मतलब नहीं उड़ी वो। अच्छा, हमारे पास ये भी लेकर नहीं है कि जो हमने नर लगाया ना इसकी कारकर्दगी मतलब पहले बहुत अच्छी लेकिन थी। अभी आपका जो लिबर्टी टेस्ट जो है यहाँ पे खराब हो गया ना, लेकिन उसके इनके नर का है ना, मतलब नर जो है ना हमारे पास इनकी इसकी कारकर्दगी है नर की। खुद ही फंस गए। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल आपका आप सवाल करें साथ से साथ करें इंशाल्लाह जवाब जो होगा सब मिलेगा। पता क्या मेरा मकसद होता है ताकि जो आवाम देख रही है जो सवाल आते हैं उनके सवाल दूर होने चाहिए। आप जो हमारे अभी आज आप करेंगे ना, एक माह बाद भी करेंगे और एक साल बाद भी करेंगे, हमारा जवाब यही होगा, यानी कि रद्दो बदल नहीं होगा। मेरा मकसद ये होगा, हमने पहले भी आज से एक साल पहले कहा था कि मादी हमने उड़ाई थी बिल्कुल नहीं उड़ती थी। लबार्टी टेस्ट वो भी नहीं के कहले लाजम होता है। मेरा मकसद कहने का ये था कि क्या सिर्फ लबार्टी टेस्ट ही एक ऐसी चीज है कि जिसकी बेस पे जोड़ा लगाया जाए या पहचान और परख का तजुर्बा भी है? लबार्टी टेस्ट में तो हम ब्लड चेक करते हैं। अच्छा, कि हमारा ब्लड कैसा है, मतलब जैसे F16 मरा इनके कबूतर, हां माशाल्लाह वो मतलब लबार्टी टेस्ट उसका चेक हुआ तो अब हमारे पास सैकड़ों की तादाद में है। बिल्कुल सही, ठीक है, तो मतलब ऐसे ही लबार्टी टेस्ट हमें जरूर चेक करते हैं, वो इनको अगर होगा तो ब्लड बनेगा, ब्लड होगा तो हम कहते हैं जी इसकी कारकर्दगी फलां सीजन में ऐसी थी। ठीक हो, ठीक है, वो इसका इनके देखिए लबार्टी टेस्ट हो गया ना, इनके बच्चों का हो गया, अगर आपने ब्रीडरों का नहीं लिया तो उनके बच्चों का तो लबार्टी टेस्ट लिया ना। ठीक हो गया। अच्छा, ये जब आपने ये रामपुरी डाले, रामपुरी जरा लंबे और बड़े कबूतर होते हैं। अच्छा, अगर स्मार्ट भी हो तो दुमे वगैरह जरा लंबी निकाल लेते हैं अगर खुली नहीं भी होती तो। लेकिन जो आपने इसमें कबूतर, फिर आपने कहा कि हमने 10 नंबर डाले और इनको बड़ा कंट्रोल किया, तो ज्यादातर जो मैं देख रहा हूँ बॉडी स्ट्रक्चर जो है अपने बाप की तरफ लेकर जा रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर। कलर बेशक माँ वाला भी आ रहा है लेकिन ज्यादातर जो है आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर बाप वाला, और इनमें जो मुख्तलिफ कलर जो आ रहे हैं उनमें बाप वाला कलर भी आ रहा है, माँ वाला कलर भी आ रहा है। तो ये आप क्या समझते हैं कि कौन से वाले कबूतर जो है आपके ज्यादा उड़ रहे हैं इनमें, क्योंकि इसका फर्क आता है कलर से और इन चीजों से? इनका तो वैसे फर्क नहीं, मतलब दोनों जितने भी कलर निकलते हैं सब उड़ते हैं हमारे पास, सब उड़ते हैं सभी। क्लासों में ये माशाल्लाह और ज्यादा, जब इनको हम वापस लाते हैं ना फिर जोकरों में तो ज्यादा काम करते हैं ये। इनके एक दफा निकाल के ये भी जोकर ही है ना, ये जोकरों से बना है ना। हाँ, तो उसके बाद दोबारा इनके कहले इनके 50% कर, इनके 75% करते हैं जोकर, तो फिर इसकी परवाज और अच्छी हो जाती है, और अच्छी हो जाती है। बिल्कुल ठीक, बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो जाता है और मतलब अच्छा हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये कबूतर आपकी जो है छत है, इसके अलावा भी कहीं इन्होंने रिजल्ट दिया? बिल्कुल, शिगिर्दों की छतों पे मियां रियासत उनके पास अभी भी कबूतर उनके पास है, रमीज भट्टी के लास्ट ईयर 7 बजे के बाद वो बैठा है इनके बाजू में स्टंप करके, और रमीज भट्टी के पास माशाल्लाह कह लेंगे वो बैठा है बाजू। अच्छा, अगर कोई कबूतर ऐसा हो जो ना उड़े इनमें से, हो कोर कमांडर और ना उड़े, तो क्या आप उसको बेकार कर देते हैं? खत्म करते? बेकार तो नहीं करते, मतलब ब्लड लाइन तो है ना इसमें, यही मैं पूछ रहा हूं। अगर बॉडी टेस्ट तो इनका हुआ है ना। हाँ, पहले से हुआ। देखिए अब इनकी 95% इनके उसकी अंधेरे में वो मादी बैठती है, अभी तक वो रात नहीं रही।
यानी कि बस यानी कि ख़राब मौसम में चली गई थी, हम वो लाख रुपए की लाए थे वो आप सबको पता है, तो मतलब बस ऐसे ही वो एक दफ़ा मतलब मिस हुई है, अदरवाइज ये अंधेरे में बैठती है, अगर ओवर टाइम भी हो जाए तो बैठना गाड़ी होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये लाख रुपए वाली बात आपने कर दी है, इस पर ही अब सवाल करूँगा ताकि वो भी लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो इनाम था वो था 2 लाख रुपए का, लेकिन नाम लाख रुपए का था, आपने 1 लाख का रखा था, समीर अल बलोशी ने फिर लाख रुपए रखा था, तो वो हो गया था टोटल 2 लाख, उन्होंने लिया था आपसे 1 लाख, बिल्कुल, तो उन्होंने 1 लाख क्यों लिया था और वो 1 लाख कहाँ गया था, क्योंकि ये लोगों का जरा बिल्कुल उन्होंने मतलब उन्होंने कहा जो आपने नाम पहले दिन रखा था ना जी जी वो आप हमें दे दे, मतलब वो भी नहीं ले रहे थे, मतलब हमने उनको कह लें कि उनकी मोहब्बत ही हमारा उनके नाम रखा तो हमने उनको मतलब इसरार किया, उन्होंने लिया तो वो दोबारा से मादा डल गई थी बाजी में, हाँ दोबारा आते ही उसको डाला था, यानी कि 6 बजे के बाद बैठी है फिर। अच्छा, उसके बाद मतलब 6:30-7:30 ऐसे उसने यानी कि 1 लाख रुपए भरने का मकसद ये था कि वो चलती भी है तो उसने तकरीबन यानी कि 15-20 लाख माता ने मतलब पकड़ा है। ठीक हो, अगर वो 1 लाख की आई है वो तो महंगी थी, वो 10 लाख की भी आती तो हमने ले ली थी। बिल्कुल सही है, सारे इनाम बिल्कुल ऑब्वियसली उसके सर पर जीते, अभी आपके सामने उनको लोग रात को हजारों की तादाद में आप यहाँ ही होंगे इंशाल्लाह, तो रात को आप देखेंगे कितने लोग उसको देखने आते हैं, क्योंकि हमने कुछ जगहों पर कुछ लोगों से सुना था कि यार अगर ये कबूतर इतने ज्यादा तादाद में है तो एक माता के पीछे इतने पैसे क्यों लगाएगा, मतलब देखो वो रिकॉर्ड याफ्ता थी ना, मतलब चल रही थी, अभी तक वो जो मुझे याद है ना मतलब 10, 20, 30 और 10, 40, 50 यानी कि 50 बार वो बाजी में उड़ी है, यानी कि 50 दिन उड़ी है वो स्टैम्प करके मुख्तलिफ बाजी में, 50 में से यकीन आप करें कि तकरीबन 47 बार वो रात को बैठी है अंधेरे में। बिल्कुल सही हो गया, तो बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। अब हम दिखाते हैं जी आपको जरा कोर कमांडर ब्रीड को थॉरली आपको शो करवाते हैं, आ जाए भैया अंदर आ जाए, मौसम आ जाए ये देखें जी कंधा ला रहा, ये मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में ओरिजिनल जो रामपुरी और जो जोकर ब्रीड जी इन कबूतरों के क्रॉस से जो उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने तैयार किए हैं, और ये ब्रीड है कोर कमांडर ब्रीड जो कि अभी रिकॉर्ड याफ्ता भी है और इनकी छत पर एक शानदार रिजल्ट भी दे रही है, आपको हम ये दिखा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये शानदार हमारी जो कवरेज है हैप्पी संडे में अच्छी लग रही होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबूतर हैं ये, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कबूतरों का बैठना और कबूतरों का अंदाज़ आपके सामने, उनके शोल्डर्स, इनके बॉडी स्ट्रक्चर, खड़े होने का अंदाज़, हर चीज़ आपके सामने है, साइज़ देखें इनका, ख़ास तौर पे स्पेशल ये फीमेल आगे आई है इसको भी देखें, और जो ये वाला कबूतर है पहला ये देखें ये कैसे बैठा हुआ, क्योंकि खुल के बैठे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इनको ज़रा गौर से देखें, और मेन कबूतर जो है वो भी यहाँ पे मौजूद होगा, मेन ये इनका जद्दे अमजद है जी, जद है पूरी, इस नर की औलाद है, अक्सर बेशतर मुख्तलिफ मैगजीन्स में और मुख्तलिफ जगहों पर आप ये तमाम जो कवरेज है देखते रहे हैं, आज हम आपको उड़ान है पहचान के सेगमेंट हैप्पी संडे में आपको दिखा रहे हैं एक कबूतर नर पकड़ पूरी, मुश्किल हो गया बड़ा, कोई भी पकड़ लो, अब ये देखें जी ये सबसे पहली चीज तो जी ये इतना सा कबूतर है, ये मेन नर है, मादा है, मादा ये मादा है जी, ये इसका साइज है, ये देखिए साइज देखें आप गौर से, और इसकी आंख पे अब आप गौर करें, थोड़ा सा इसको ये यहाँ कर देता हूँ, धूप की निस्बत छाँव में जा रहा हूँ, ये इसका पर है जी, उस्ताद आशिक हुसैन ऑफ सियालकोट वर्ल्ड फेमस उस्ताद हैं जी, उस्ताद पीर सैयद अली मौज़म शाह अल मारूफ पीर मौजी शाह साहब के जो हैं ये
شاگرد خاص اور سوری استاد ہیں اور وہ ان کے شاگرد خاص ہیں اور ان کے یہ شاندار اور خاص جاندار کبوتر منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑان ہے پہچان میں آپ کے لیے خصوصی طور پر ہم لے کے آئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آئے گا یہ کور کمانڈر مادر یہ سب کا باپ ہے جتنے بھی کور کمانڈر جتنے بھی ہیں اچھا جی یہ وہ کور کمانڈر مین جو ہے میل ہے محسن بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ اصل کبوتر ہے اور یہ استاد چودھری سخی محمد بھٹی صاحب کے جو 10 نمبر کبوتر ہیں استاد محترم نے بتایا کہ یہ ان میں سے ہے اور یہ پہلے اس کو ذرا چھاؤں میں دیکھیں غور کیجئے گا استاد چودھری سخی محمد بھٹی صاحب والے کبوتروں میں سے ہے یہ دیکھیں یوں کلیئر آتی ہے ادھر لے چلو سٹول بھی اور ہیپی سنڈے میں آپ کو استاد عاشق حسین صاحب کے کبوتروں کا شوق کروا رہے ہیں یہ سب کور کمانڈر کی جد امجد جو ہے نر ادھر چھوڑ دے اتنا زیادہ تمہیں نال لگ جانا ادھر بٹ سر یہ بڑا کبوتر لے جی یہ بلڈ بھی اسی چونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اس میں استاد چودھری سخی محمد بھٹی صاحب والے جو ہیں ٹیڈی کبوتر جو ہے شامل ہیں ساتھ رام پوری بلڈ ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں کھل کے آپ کے سامنے آئی ہوئی ہیں اور جن لوگوں کو اب شک ہے وہ شک دور ہو جانا چاہیے کہ جی ان میں کیا کیا ہے ان کو نظر آنا چاہیے اگر پسند آئیں ان کی ادائیں ان کا اٹکھیلیاں کرنا ان کا بیٹھنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ذرا اپنے انگوٹھے کو تکلیف دیں اور لائک کے بٹن کو دباتے چلے جائیں تاکہ اس میں انگوٹھے اور دل نظر آتے رہیں اور ہماری لاہور سے ساری رات کے جاگنے کے بعد آپ کو دکھائی گئی یہ کوریج ہمیں بھی خوشی ہو کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے اور آپ بھی ہماری حوصلہ افزائی کریں تو ہمیں خوشی ہوگی بہت شکریہ آپ لوگوں کا ذرا انگوٹھے کو دباتے جائیں ہمیں اندازہ ہوتا جائے پکڑ لیں پکڑے گا جس کے پکڑنے والے کبوتر یہ تو نیچے بیٹھا تھا تو اس لیے میرے ہاتھ لگ گیا سلارا پکڑ یہ دیکھیں جی یہ بھی انہی میں سے ایک کبوتر ہے یہ دیکھیں جو لوگ استاد چودھری سخی محمد بھٹی صاحب والے کبوتروں سے واقف ہیں بہت شکریہ جی انگوٹھے اور دل بھیجنے کا لیکن زبردستی والا کام ہی لگتا ہے مین مادہ کا شوق کروا دیتے ہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے مین مادہ بھی آپ کو دکھا دیں گے جب پیار کیا تو ڈرنا کیا یہ دیکھیں دن سے یہ چیز ہو رہی لے جی اب یہ آپ کو ایک اور کبوتر دکھا رہے ہیں یہ بھی کور کمانڈرز میں سے ہے اچھا سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں اس کی ذرا آنکھ کو غور سے اس کی آنکھ میں آپ کو رنگ بھی سارے نظر آئیں گے یہ دیکھیں غور سے دیکھیں اس کی آنکھ کو اور مزے کی چیز ہے کہ اس کا رنگ جو ہے کتنا ڈائل فٹ ہے ایک جگہ پہ بالکل پرفیکٹ ڈائل ہے آنکھ کی فٹنگ کے حساب سے یہ لے میں ہلا کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ اپنی آنکھ کو کسی ایک سائڈ پہ نہیں کرتا اور خالی جگہ نہیں اس میں چھوڑتا کیسا فٹ ڈائل ہے اس کا یہ گرے رنگ ارد گرد جو آپ کو بلوش سے نظر آ رہا ہوگا پھر یہ باہر کی اس کی زمین پھر یہ اس کے ساتھ اور یہ پھر باہر مکمل آپ کو جو اس کی آنکھ پراپر نظر آ رہی ہوگی یہ اس کا پر دیکھیں
बगल देखें इसकी कि मैं यहाँ रख के इसको ये वहीं चढ़ाएगा वो तो सर आज भी मैं वे परवाज है उड़ रही है इस वक्त ये पर देखें इसमें ये ब्राउन शेड जो ये दे रहा है ये देखें कि ये कैसे परों की एल शेप भी बना देता पूरी ये इसकी दुम है जी ठीक हो गया पंजे देखें इसके ठीक है अच्छा ये इसकी हड्डी ये शुरू हुई ये चार उंगलियों से भी ज़्यादा बड़ी हड्डी है और इसका साइज़ भी आपके सामने है ये साइज़ है इसका तो बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ है ये देखें और उस साइज़ के बावजूद वज़न इसमें बिल्कुल नहीं है बिल्कुल कागज़ी सा कबूतर है बेवज़न स्मार्टनेस इंतहा की और ये बंद कबूतर है और उसके बावजूद इस पर कोई गोश्त नामी जो वज़न है उसका नाम नहीं है बिल्कुल भी गोश्त है ही नहीं तो। यही इसकी एक इंतहाई अहम निशानी और अब ये इन निशानियों के बाद देखें तो इसका बैठना उठना आपको और खूबसूरत लगेगा ठीक हो गया जी कोर कमांडर्स का इतना थॉरली शौक शायद ही पहले किसी ने आपको करवाया वालेकुम सलाम ये देखिए वाह जी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करते जाइएगा ये देखिए जी बहुत शुक्रिया जी आमिर शर्मा साहब आमिर अंसारी साहब आमिर बाबा साहब ये देखें जी कैसे रिंग इसके देखें इसके परों की बनावट देखें अगर मैं इसके परों को इकट्ठा कर दूं ये कोई खाली जगह इसमें आपको नजर नहीं आएगी ये देखिए खलीफा नुमान भट्ट साहब भी हमें देख रहे हैं जी और हमारे सबसे प्यारे दोस्त कासिम भाई भी हमारे साथ हैं शेख आमिर गोल्डन साहब भी हमारे साथ हैं मुनव्वर खान पठान साहब राजा हारून साहब शुभम वर्मा साहब ये कैसी क्लैरिटी है उसकी आंख में मलिक मोहम्मद बाबर साहब भी हैं जी बहुत शुक्रिया जी ये और वज़न कुछ नहीं है सबसे मज़ेदार इसकी जो बात है ना ये है छोड़ दो इसको अच्छा ये कौन सी है जी ये देखिए अब ये ब्रीडिंग में पड़ी हुई मादा है जो प्रॉपर इस वक्त बच्चे पाल रही है एक चीज़ तो इसकी ये देखें कि ये आँख का इसका नूर बिल्कुल इसके इस ये जो कोना है इसके ऊपर जा रहा है ये देखें इस कोने को इस आंख के नूर के साथ मिल रहा है जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज है जी शाहबुद्दीन सखिरानी साहब भी साथ हैं जी हेयर कैच लगा के लंबे बालों में चोंच देखें इसकी नथने देखें इसकी ये उनका साइज देखें मादी के सर का साइज देखें और इसका पर देखें इंतहाई तेज पर की कबूतरी है ये देखें ये देखें
छुरियां हैं पूरी छुरियां, दुम चूंकि रामपुरी पर भी है उस हिसाब से बनी है, लेकिन उसके बावजूद टैडी कबूतर होने की ये सारी निशानदेही मौजूद है। ये देखें, ये दुम है बस, ये भाई बिलाल भट्ट साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भट्ट साहब तेरा बताएं। कमाल है, क्या कमाल है, कमाल क्या कमाल है, ये देखें, ये देखें और ऐसे ही पकड़ के देखें फिर मुझे बताएं कमाल है क्या है। अच्छा बाजी का एक चीज इसमें बड़ी मजेदार, बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसमें सीखने वालों के लिए, ये इसका पूरा रिंग देखें जी, और ये सारा यहाँ आके इकट्ठा हो रहा है, डॉट बना रहा है ये, और वो डॉट भी उसी सीध में। ये उस्ताद जी किन में से, ये देख रहे हैं आपके सामने, नहीं आप बताएंगे ना, जोकर में से है, जोकर में, जोकर जोकर ये इनमें से ही बाप है। ये देखें जी, ये इसका अब एक पर इधर है, एक पर इधर है, और अगर मैं इनको दोनों को मिला दूं तो ये ऐसे कैंची मार लेते हैं पर, और यही बंद दुम है, यही असल में बंद दुम है। ये लें, ये पकड़ो, पंजों की रंगत, और साइज बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज है जी। बट साहब, आसिम साहब आपको कह रहे हैं जी, क्या हाल है बट साहब, आप बड़े आदमी हैं, आप क्या जा रहे हैं। ये नहीं जी, ये अब जोकर आ गए, थोड़ा दूर ना, हम इधर आ, प्योर उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब वाले कबूतर, उस्ताद आशिक हुसैन साहब के पास जो टैडी कबूतर, प्योर टैडी जोकर ब्रीड के नाम से, उस्ताद पीर सैयद अली मौजम शाल मारू पीर मौजी शाह साहब अगर देख रहे हैं तो वो भी अपने इन कबूतरों का शौक कर सकते हैं। ये सर वही हैं, अगर आपको थोड़ा सा आप गौर करें कबूतर को तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कौन से कबूतर हैं। ये देखें, ये बट साहब आपने देखा, ये ना थोड़ा बुरा मनाते हैं कबूतर, ये देखें ज़रा इनकी पलकों का रंग देख लें, काली पलकों में कबूतर हैं। फिर इनके ऊपर ये छाप देखें, ये लाल से छाप आ रहे हैं। लो जी, इसकी बात करता हूँ मैं उस्ताद अरमुगान लाई साहब, कामिल जदी साहब देखें जरा, ये चीज देखें, मज़े की बात यह कि बड़ा कंट्रोल के साथ इन कबूतरों को जो है उस्ताद आशिक हुसैन साहब ने मेंटेन भी रखा हो। सबसे मज़े की चीज़ है कि ये मेंटेन है, और मेंटेन करने के लिए भी ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई ब्लड उन्होंने अगर यूज़ किया होगा तो वो ब्लड क्या है, वो कितना मेंटेन होगा, ये तो उस्ताद मोहतरम ही हमें बताएंगे जैसे ही वो आते हैं पास, तो उनसे बात करेंगे। उस्ताद मोहतरम, ये दुबई से कितने जो है कबूतर आए थे आपको,
तकरीबन 100 के करीब होगा, 100 के करीब। तो अब कितना है, अब तकरीबन कितनी तादाद होगी इनकी? 1000 के करीब होंगे। 1000 के करीब। इनको मेंटेन भी किया कि वही बच्चे चलते आ रहे हैं? मेंटेन भी किया है और मतलब वो रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो मेंटेन इनको इन्हीं कबूतरों में किया? इनके साथ जो भी है वो चलता आ रहा है, मतलब ठीक हो गया। हां, इनके साथ साथ ये भी इनमें से है। बिल्कुल सही, ठीक है जी। ये यहाँ पे आएगा, मतलब देखें ये शेर भी, मतलब हमारे शेहू वाले जो कबूतर उनमें आ रहा है। बिल्कुल हो गया, ये सारे छाप आ गए सारे। अच्छा, कि इन्होंने कलर नहीं छोड़ा, आप कह रहे हैं कि सेम कलर के साथ ही चलते आ रहे हैं? साथ चलते हैं। ये देखें जी, इससे ज्यादा आला और खूबसूरत चीजें आपको क्या दिखें? पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा अंगूठे को जितना, वाह 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 माशाल्लाह, जरा करें ना जरा लाइक और दिल के निशान। उस्ताद डॉक्टर जाहिद साहब, मर्जी है, तुहानू मैसेज करो, तुसी जवाब नहीं देंदे। ये देखें जी, पसंद आ रहे हैं पंजे? लगता है शौकीन अंदराज जो है ना, शौक करना भूल गए हैं, या फिर उन्हें पसंद नहीं आ रहे कबूतर। उस्ताद अमीन बाजवा साहब लाहौर से, सर कैसे हैं आप? बटर ये जरा उस्ताद मसूद, ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत शानदार किस्म के कबूतर हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब के। और मंथली हाइपलाइन पिजन मैगजीन की सेगमेंट उड़ाने पहचान में हम आपको दिखा रहे थे, और उम्मीद करते हैं कि ये तमाम तर कबूतर आपको पसंद आए होंगे। बड़े शानदार कबूतर थे ये। इसमें आपको अभी हमने जो दिखाया वो कोर कमांडर कबूतर, और उसके अलावा जो जोकर हैं इनके, जोकर ब्रीड, वो आपको दिखाई है। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये दोनों जो ब्लड इनके पास चलते आ रहे हैं। और उस्ताद मोहतरम अभी खुद से कबूतर लेकर आ रहे हैं, ये भी देखते हैं ये कौन सा कबूतर है। उम्मीद करते हैं कि ये कबूतर भी आपको पसंद आएगा। ये हमारे बच्चू मियाँ ब्रीड है हमारे पास। बच्चू मियाँ 2009 का चैंपियन है इसका वाला। ये जी बच्चू मियाँ नहीं जी, बच्चू मियाँ आ रहे हैं, हम कराची वाला हूँ, बच्चू मियाँ आ गए। दे दो कोई लाइक शाइक। यादगार सेगमेंट मंथली हाइपलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में, हैप्पी संडे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे दिखाए हुए कबूतर पसंद आ रहे होंगे। उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर के ब्लड आपको दिखा रहे हैं, ये बच्चू मियाँ ब्रीड में से कबूतर है। सर देखें उसका, और ये उसका पर देखें, इनमें कौन कौन सा पर नज़र आ रहा है। गोल्डन कबूतरों में वही बच्चू चैंपियन हुआ था 2009 का। ये लें जी, ये बच्चू मियाँ ब्रीड का बाप है। कैसी बात है कि अभी बोला है और ये वैसे ही निकला है। ये देख, 2009 चैंपियन है सियालकोट। ये 2009 सियालकोट चैंपियन है, सियालकोट चैंपियन शहर सियालकोट का चैंपियन कबूतर है। 7:19 ये किस ब्रीड में से है? नहीं जी, 2009 का चैंपियन दिखा रहे हैं। क्या वजह थी इसके चैंपियन होने की, जरा चेक करें आप लोग भी। देखें आप लोग इन कबूतरों से ही तो सबक सीखेंगे। इनके इनके 43, 44, 47 टेम्परेचर हो ना, तो अगर 3 बजे से पहले हमारे छत पे कबूतर बैठ गए हों तो ये शाम को घर बैठते हैं, अगर ना बैठे हो तो ये रात सुबह आते हैं। अच्छा, हाँ, इनकी परवाज़ें पूरी नहीं करती। ये देखें जी, ये एक सॉलिड जो रीज़न, ये 2009 में ऐसा था, सेम मतलब इसकी कापी था 2009 में। अच्छा, बाद में कह रहा हूँ। ये तो देखा है मैंने, ये वही वाला, ये वाला
ये नहीं देखा नहीं कौन सा देखा मैंने अभी एक बच्चों में देखा छोड़ा वो छोड़ दिया ये भी सीधा ये भी इनमें से है जी हां ये भी इनमें से ये जोकर मतलब इसमें डाल के ये बनाए हैं जोकरों के साथ पहला कबूतर जो देखा है वो छोड़ दिया ना ये मैंने नहीं देखा ये रमजान में ये बहुत गर्मी थी पिछले रमजान में देखिए सियाग देखिए बैठा था ये दो बहन भाई और उस्ताद पीर सैयद अली मौजम शाह मारू पीर मौजी शाह साहब और खान उबैदुल्ला खान साहब कैसे हैं आप लोग ये देखिए कैसे कैंची मारी है ये ब्लड है जी ये इसकी बहन इनकी कामरा भाई मादी सा छटी बन के दो रात आना है कि तीसरी रात में जलार पर जटा पड़ेगी मादी ए मादी आया वाली मादी अच्छा मतलब पिछले जेठ 2017 जो बन के हाँ जी बन के मतलब तीसरे दिन जाके फड़ेगी जलाल प्रोजेक्ट साजी पर दे गए वो गुजरात जाके हाँ जी गुजरात चले तो निकल गए वो ख्वार होगी ना बेचारी कोई रात की वजह से तूफान की वजह से किसी वजह से निकल गई होगी लेकिन वो बैठी नहीं वो जाहिर बात है लेकिन उसने गिरना तो है ना बांध के उड़ाई पर देखो ना डायरेक्शन देखो चप्पू देखो ना थकते नहीं है ये देखेंगे इनसे शानदार अब आपको क्या दिखा यहां से दिल भरे तो कहीं आगे चले तो यहाँ दिल नहीं भरता ये इंतहाई जैसे कबूतरबाजी समंदर है उसी तरह से उस्ताद मोहतरम उस्ताद आशिक हुसैन साहब की छज है ये भी कबूतरों के लिए समंदर है यहाँ पे हर तरह की ब्रीड आपको नजर आएगी ये सिल्वर गोल्डन आ गए ये जहाँ तक मुझे अंदाजा ये सिल्वर गोल्डन सिल्वर वही है ना उस्ताद जी सिल्वर गोल्डन है हाँ ये एक बहुत ही खूबसूरत और खूबसीरत ब्लड सिल्वर गोल्डन के नाम से जी वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मलिक मोहम्मद बाबर साहब पैरागॉन से जी इंतहाई काबिल एहतराम और बड़े ज़बरदस्त उस्ताद हमारे बड़े अच्छे प्यारे भाई ये जी सिल्वर गोल्डन कबूतर उस्ताद आशिक हुसैन साहब ये भी ये देखें इसकी कहाँ तक पर खोलेंगे इसको और अगर हम नॉर्मल पर खोलते हैं तो ये देखें उस्ताद आशिक हुसैन साहब के ये सिल्वर गोल्डन कबूतर हैप्पी संडे में आज हमारे प्रोग्राम को जो है जीनत बख्श रहे हैं डॉक्टर ज़िक्रिया मुजाहिद साहब भी हमारे साथ आ गए जी ये देखें जी ये भी आँख ये भी सिल्वर गोल्डन ये भी सिल्वर नहीं जी ये दो आइस दे रहे हैं जी सिल्वर गोल्डन की अगर अच्छी लगे तो प्यार मोहब्बत कर दीजिएगा कोई अपने अपने हिसाब से आपका एक लाइक हमारे लिए 10,000 खुशियों का बाइस हो सकता है
और जब इंसान खुश रहता है तो वो सेहतमंद रहता है। हमारा जो नाम होता है ना कबूतर परों का, वो बस शाबाश होती है, शाबाश और प्यार और तारीफ, इससे आगे कोई नाम नहीं होता हमारा। हाँ, तो और अगर किसी को खुश रखोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें भी खुश रखेगा। नहीं, जो हकीकत है, हकीकत है कि तारीफ करनी चाहिए। अगर आपको कोई किसी की काविश नजर आए, किसी की अच्छे कबूतर नजर आए, और वो भी बड़ा स्मार्ट कबूतर था और ये भी बड़ा स्मार्ट है और कागजी है, हाँ वजन नहीं है बिल्कुल भी। बट सर ये कबूतर देखा, अब वो देखा आपने, ये वाला देखे मेरा, हाँ वो आपने देखा, इंतहाई आला, नहीं बिल्कुल लाइट वेट है, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर की मजबूती चेक करें। क्यों मोहसिन भाई, फर्स्ट क्लास मजबूत है। अब तो आपको भी मतलब कोई और कबूतर पसंद आता ही नहीं होगा ना। उस्ताद मोहतरम ने जब तक कबूतर नहीं दिया, हाथ में नहीं पकड़ाया, उसके अलावा कोई और कहीं पे भी जाके आप मज़ा नहीं आया। ऐसी बात बिल्कुल ठीक। तो आपने खुद घर में भी रखे हुए हैं कि यहीं पे उस्ताद मोहतरम की खिदमत में हाजिर रहते हैं? यही हमारे हैं, यहीं पे बस, यहीं पे शौक करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, जब एक जगह शौक होता हो तो जरूर दो जगह पे करना उसको। ले जी, सिल्वर गोल्डन जो है वो शुरू हो चुके हैं अपने पूरी आबोताब और जाहो जलाल के साथ। कासिम भाई देख रहे हैं हमने कमगर क्यों लिए थे। जब से लोग बगैर बताए तुर्की गए हैं ना और कुछ भी ना लेके आए तो फिर हाल ये देख। ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब को सलाम कह रहे हैं जी। उस्ताद पीर सैयद अली मौजूम शाह मारूफ पीर मौजी शाह साहब, ये देखें ये सिल्वर गोल्डन कबूतर है, ये जोकर सर जी, क्या देखो ये क्या जोकर ताली नंबर लाओ जी, ये जरा जोकर दिखाएंगे सलमान साहब। ये देखें जी, ये उस्ताद मोहतरम का 44 नंबर कबूतर, 44 नंबर कौन सा, 41 आपका, 41 नंबर क्या हमारा, कंपनी का 41 है क्या ना, कि नहीं वो 44 कह रहा था, 41 वाह जी वाह, एक कंपनी का 41 नंबर कबूतर है जी। और मैन्युफैक्चरर जो है अभी इस वक्त जो है इसके कॉपीराइट्स उस्ताद आशिक हुसैन साहब के पास है, और जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है उनका ये 41 नंबर है। लेकिन जो भी है जैसा भी है, करंट वाला कबूतर। सर जी पीर साहब सलाम, वालेकुम सलाम। ये मेन बड़े कबूतरों में से था, सिल्वर मेन बड़े कबूतरों में से वो कबूतर था जी। अब ये फिर दोबारा जहाँ से चले थे वहीं पे दोबारा आपके वो लेकर आ गए हैं जी, सिल्वर गोल्डन। क्या बात है सियालकोटी कबूतरों की। माशाल्लाह, हाँ हो क्या, नहीं क्या बात, सबसे मजेदार चीज उसका पल्ला, ये क्या हुआ भट्ट साहब, कीड़िया भट्ट साहब को जी, कबूतर देख के सुबह से सर्दी लग रही थी, जब से कबूतर देखे हैं अब गर्मी लग रही है, वो शर्ट भी उतारने को तैयार हुए हैं। अभी ना लें अभी 10 नंबर, वाह जी वाह, इत्थे रख काम, जरा दिखाओ ना जरा, ऐ करो अभी सला रहे ने, क्या बात, जॉन से सला रहे, ये प्योरिटी में, ये प्योरिटी में, वाह वाह वाह, ये इसकी टोपी बड़ी गहरी है, यहाँ से बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और पर भी माशाल्लाह देखे ना,
क्या पर ले जी, ये भी देखें इधर, चाय का तो भी अंडा है नहीं, धूप में गर्म की हुई अभी। उस्ताद जी, जनाब उस्ताद बिलाल भट्ट, ये जरा चेक करें, बाट साहब ने दवाई खा दी है ना? बाट साहब ने, मैंने लगता कोई दवाई ले ली आज, तो बाट साहब ने दवाई लड़ी है इस टाइम। वाह बहुत आला, दबी जाओ अंगूठा, जिन्ना ज्यादा अंगूठा दबोगे ना, माशाल्लाह। मसला ये है कि अब हम पूछें किसी से तो क्या पूछें, बताएं आपको तो क्या बताएं। ये भी कागजी है। वाह, ये 16 इसका बेटा जुड़ रहा है, ये 16 है ना? इसका बेटा आज बाजी में, अब वो नहीं, इसका बेटा बाजी में आ रहा है, ये जी आज बाजी में उड़ रहा है इसका बेटा, बेटा, और ये उसका बाप है जो आज बाजी में F16 उड़ रहा है, लिहाजा ये वो F16 कबूतर है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम आए थे यहाँ पे और डॉक्टर साहब उस दिन आए थे, हम किसी फंक्शन में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि उस्ताद जी आज बड़ा F16 जो है वो मर गया, तो और माशाल्लाह वो 300 कितने बच्चे देके गया था, 386 थे मेरे ख्याल। नहीं, वो जीता था 434 को जीता था, बच्चे उसके इतने नहीं थे, नहीं 200-300 बता रहे थे कि जो है वो करके गया ब्लड में से, और उसमें से ये F16 सारे जो दांत काफी है, ये भी इसी का भाई है, यानी कि ये भी इनमें से है। ये देखिए 434 क्या जीता था उस्ताद जी, चैलेंज करके 434 कबूतरों को जीता था। वो किस तरह 434? मतलब एक दिन पहले चैलेंज किया था कुछ लोगों ने ना, तो बाजी लग गई थी। अच्छा अच्छा, जिस दिन सियालकोट का टूर्नामेंट था उनको विन करना था, एक ही कबूतर ने जो सबसे एंड में बहादुर कबूतर मतलब बना, तो इनके कहने के भाई ने किया था। सही सही सही, F16 के, और वहां से फिर ये F16 चलती चली गई। जी फैजान इलाही साहब, खलीफा फैजान इलाही साहब, पर देखें जी इसका, और वजूद देखें यार, एंड आई भी निकल बड़ी एमरजेंसी है। अच्छा मजे की चीज पता क्या, इंज लगता है हुणे निकल जाना इन्हें हाथ, हां जी है ना, मुलायमियत ते ए डिगदा कि तैनू जो कबूतर कैसे गिरेगा, बट साहब कैसे अंदाजा होगा, कैसे तोलेंगे, हाथ से निकलेगा, हाथ से गिरे आगे की तरफ वजन करेगा, ठीक हो गया, ये आपको गिरने नहीं देगा। ये हमारा चैंपियन हुआ है ये भी बाजियों में, टूर्नामेंटों में, और इसका मतलब अगर किसी वजह से रात रह गया ना, मिस हो गया, तो 21 दिन तक इसका रिकॉर्ड है, 21 दिन तक ये घर वापस आया, हफ्ते मतलब हफ्ता 5 दिन 7 दिन आम इनके, जब रात रहता था तो इसकी बेटी छत में मतलब सही कह लेंगे जेठ 2015 और 16 में शाम शाम को बैठी इधर बाजी में, सारी बाजियां इनकी थी, यानी 3 है ना, ऐ 3 ऐ 3 ऐ, वो कबूतर है जेड़ा जी मेनू उधर भी प्यारे है, हां जी है ना, थल्ले तीजे खुड्डे च 8 नंबर जेड़े है ना, देखिए ले जी 21 दिन तक रुल के वापस आया हुआ कबूतर है। इस बहन ने इस छत पे रिकॉर्ड, बिलाल भट्ट की पसंद का कबूतर, मतलब तुझे सानू कुछ नहीं समझते, वो कहने जो सिर्फ बिलाल भट्ट की पसंद का एक कबूतर दिखा दे, की करिए हम भजन, हम तो शाह साहब से सीखते हैं जी, शाह साहब हमसे सुनिए। ये देखें जी इसकी दुम भी देखें आप, और क्या बॉडी स्ट्रक्चर, क्या सख्ती फुर्ती इसने पाई। उस्ताद जी ये क्या ब्लड है,
ये डॉक्टर जाहद हमारे डस्के में जी जी उन्होंने मतलब एक दोस्त ने कमगर मादी पकड़ी थी मतलब गोली मार के उस इनके एक हफ्ता वो मतलब कह लेंगे मंडीनू पर बैठती डस्के तो उसका ये बच्चा है सही हाँ मतलब कमगर मादी थी गोल्डन उनसे निकला हुआ है अच्छा वो नर आपके घर का था मादी जो है ना वो पकड़ी नर बिल्कुल नर जो है ना वो पकड़ा था इनके हफ्ता एक कह लेंगे वो अच्छा अच्छा बट साहब उसको छोड़ के इसको जरा गौर तलब कबूतर है ये आप देखें इसको हम हर बाजू में इनके बच्चे में इनके अलग इस टाइम लुटवाते हैं वाह जी वाह जी वालेकुम अस्सलाम जी अवैध ज़िया साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हमारे बहुत प्यारे दोस्त और भाई इस वक्त हमारे साथ हैं अवैध ज़िया लेफ्ट हैंड अच्छा क्रिकेट नहीं आजकल देख रहे हैं कबूतरों के शौकीन हैं जी 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 आएंगे कराची भी आएंगे सर लम्बियां परवाजें ही मारेंगे यार लाइक की जगह कितने चुम्मी नहीं आंदी इस कबूतर दी आंख दी चुम्मी नहीं बांधी देखो सर कोई कौन सा रिकॉर्ड लाए ने 7 बजे तक ने बाजियां दिखाई आ रही थी मैंगो पट्ठा 8 नंबर वाह जी वाह क्या बात है मगर जब तक कबूतरों को वो खुद नहीं मांग लेते जब तक छोड़ने को दिल नहीं करता ऐसा स्ट्रक्चर थी ए उन्हीं की वजह से मैं कह दिया काल आउट देगा नहीं कितने भला वो बंद रोड वाली छात से मैं कहा काल आउट देगा कैसा कबूतर है यार ये और क्या कबूतर है इतना खूबसूरत नहीं जी अब ये आगे जी गोल्डन कबूतर सर इतना शौक करवाया ना कोर कमांडर का भी हमारा जो है हाथ थक नहीं रहा था वो तो इन्होंने ब्रीड चेंज कर दी नहीं तो मैं वही दिखाता चला रहता लेकिन जो आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं सारे के सारे कमांडर आ रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं वो तो एक और कमांडर की बात तो और दूर है इसकी नाक देखें इसके चोंच देखें इसका सर देखें क्या बात है उस्ताद आशिक हुसैन साहब के कबूतरों की हैप्पी संडे में इंतहाई हैप्पी करके रख दिया ये बाजू में शाम शाम तक बैठा हुआ है शाम शाम तक अच्छा ये उड़ा के आपने उड़ा के ये और ये ब्रीड कौन सी कहलाएगी रुस्तम गोल्ड ये रुस्तम गोल्ड आपने वो इसकी एडिट की हुई है पिक्चर जी 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 ये वो है कबूतर बिल्कुल सही है एक वाइट गोल्ड भी तो थी ना वाइट गोल्ड वो अलग है वो अलग है ये देखें जी ये उस्ताद जी कौन से ये लाखे पर देखें इसका ये जोकर जोकरों में डाल के बने हुए अच्छा ये लाखों को जोकर में डाल दिया हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ कि इतना स्मार्ट जिस्म जोकर रंग नहीं तोड़ा हाँ रंग नहीं तोड़ते बहुत आला जी अभी हम आपको और कबूतर दिखाते हैं उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेगमेंट उड़ान है पहचान में मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन का सेगमेंट उड़ान है पहचान में आपका दोस्त आपका होस्ट कैमरा ने बाद जो आपको कबूतर दिखा रहा है वो पसंद आ रहे होंगे और हम आपके साथ हर वक्त यहाँ पे मौजूद और आपको शौक करवा रहे हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब के कबूतरों में
और ये बहुत खूबसूरत और ज़बरदस्त कबूतर है। और ये छत जो है इनकी, पहले ये उड़ाया करते थे और इस साल ये नहीं उड़ी, लेकिन अब जो है ये छत जो है हम दिखा रहे हैं आपको, ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब कह रहे हैं कि इसको दोबारा से एक्टिव कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की छत है और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे जब लोग शौक करने आते हैं दोस्त अहबाब। और पॉजिटिव पॉइंट इसका ये होता है इस छत का कि ये हर बंदा ऊपर नहीं चढ़ सकता, आराम से नीचे बैठे कबूतर ऊपर आराम से उतरते हैं, रश ज़्यादा नहीं होता, कबूतर परेशान नहीं होता। डब वालों से निकला हुआ कबूतर है जी, देखें हर बाजी में इसका निकाल के बच्चे जो है ना उड़ते हैं गेट में, हर बाजी में एक सीजन 7 बजे के बाद 7 दरवाजे थे इसके बच्चे की। उस्ताद जी का नंबर जी बिल्कुल मिल सकता है, चौधरी अदीब आजम साहब आशिक हुसैन के नाम से इनकी जो है फेसबुक आईडी है, आप इनको मैसेंजर पे मैसेज करें और इनसे उनका नंबर लें तो ये आपको ज़रूर दे देंगे। अगर मैं इस तरह डायरेक्टली नंबर बोल दूंगा तो वो इनके लिए डिस्टर्बेंस का बायस होगा, क्योंकि इतने जो हमारे प्यारे भाई दोस्त भाई जितने भी देख रहे हैं और ज़ाहिर बात है हर किसी का दिल करता है उस्ताद मोहतरम से बात करने का, तो वो इनको इतनी कॉल करेंगे कि रात को ठीक तरह से सो भी नहीं पाएंगे, और अगर ये सो नहीं पाए तो सुबह 6 बजे से पहले आँख नहीं खुलेगी, 6 बजे से पहले आँख नहीं खुलेगी तो कबूतर कैसे उड़ेंगे उस दिन की बाजी में। तो लिहाजा इस तरह मैं आपका नंबर नहीं दे सकता, आप उनको जो है मैसेज कर लें मैसेंजर पे, आशिक हुसैन के नाम से उनकी आईडी है उस पर। अच्छा जी उस्ताद जी, ये टेडी काले मुँह वाले अच्छा शेख वाले काले मुँह वाले कबूतर। तो जी अच्छा ये देखें जी, ये हीरा लाल इनका नाम रखा क्योंकि इम्तियाज हीरे से आए हुए हैं। ये कैसे काले मुंह वाले हैं जी, ये तमाम हमारे दोस्त अब आप जो कसूर में भी बैठे हैं वो भी जरा देखें, उस्ताद इम्तियाज हीरा साहब के लाल हैं तो इसलिए इनको हीरा लाल कहते हैं, लाल और जवाहर से लाल। और इसका सर, इसका बच्चा कोर कमांडर से क्रॉस में वहाँ बैठा है 7 बजे के बाद बाजू में जेट में, कोर कमांडर से क्रॉस मियाँ रियासत की छत पे इसका बच्चा कोर कमांडर के क्रॉस से, यानी कि उसकी प्रवाद 7 बजे के बाद की जेट की इसके बच्चे। ये भी कॉमड़ वाले जो हैं जी वो कबूतर भी देखते हैं, इनको क्या कहेंगे, ये भी काले मुँह वाले। सफदर साहब कोटला से आपको सलाम कह रहे हैं उससे। हेलो, वो जी जो पहले दिखाया था काले मुँह वाला, ये भी काले मुँह वाला, वो इम्तियाज हीरा साहब से आए हुए थे, ये कॉमेट स्पोर्ट्स वाले जो हैं उनका कबूतर, जो ये सियालकोट में एक इंतहाई बड़ा नाम किया इन कबूतरों ने, और ये ज़रा उम्र रसीदा है, गालबन इसी को उस्ताद मोहतरम ने आगे मेंटेन किया होगा जरूर। इसकी बहन नहीं नहीं स्पेशल हो तुसी सारे। देखें जी ये भी तुसी कॉमन स्पोर्ट्स वाले हैं, उनके ही घर की स्पेशल ब्रीड काले मुंह वाले। अच्छा एक आ रहा है कैसे बताएं क्या बताएं और क्या दिखाएं और क्या दिखाएं, खुद देख लें अब और क्या दिखाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त और इंतहाई शानदार और बड़ा ज़बरदस्त इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए, बट सब मादी देखिए, देखिए आप और आपकी चॉइस तो यही सर, हमें आपके बटेरे कबूतर देख लें। वो समझ गए उस्ताद जी उस्ताद जी समझ गए कौन से कह रहा हूँ। सलमान गुराया साहब उस्ताद आशिक हुसैन साहब को सलाम कह रहे हैं जी, कमर बुसाल साहब सलाम कह रहे हैं, रहमान गुराया साहब कह रहे हैं जी, अली हैदर साहब हैं, उन्होंने तो पिक्चर भी आपकी लगाई हुई है अपनी आईडी पर जो, और फरदीन अब्बासी साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह,
तो बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का जी। आपको कबूतर दिखाते हैं उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर के। हमने आपको तकरीबन सियालकोटी, कसूरी, टैडी हर तरह के कबूतर दिखाए हैं और हर कबूतर में एक वक्री अलहदा से जो एक पहचान और परख जो आपको मिली होगी। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये कहाँ हूँ जी, इधर हूँ, लाइट अच्छी है ना जी। ये लें जी, अभी इसके बारे में उस्ताद मोहतरम ही ज़्यादा बेहतर बताएंगे। ये कौन से कबूतर हैं? इनको हमने डाला है जोकरों में। जोकरों में इनके जो बच्चे हैं माशाल्लाह, ये अभी पिछले सीजन 4 बाजियाँ उड़ा है इसका बच्चा, 7.5 बजे तक वो गया है, तो माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग की परवाज है इनकी। बटेरा छत वाला क्रास है इसमें, बटेरा छत वाला क्रास। ठीक क्लियर है, चले ऊपर दिखाते हैं, ऊपर चलो ले जी। ये देखिए बहुत शानदार कबूतर है, बटेरा छत वाला कबूतर है, मोहसिन साहब ने बताया। ऊपर चलो बढ़ सर, ऊपर का माहौल देखते हैं, बहुत वक्रा माहौल, पूरा हैवी किस्म का लेविश माहौल, इटली माहौल। इधर से जाना, हाँ इधर से जाना है, इधर से जाना ना सर जी। आए तो आपको छत की लोकेशन भी नजर आएगी और छत पे मौजूद बाकी परिंदे भी नजर आएंगे। ये देखें जी, ये उस्ताद आशिक हुसैन साहब की छत है, मंथली आउटलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आपको शौक करवा रहे हैं सियालकोट से। और हाँ इधर बाहर उधर जा रहे हैं, हाँ तो ये लोकेशन है जी सारी, और अभी भी ये छत यहाँ की बुलंदियों को छू रही है। चलो चल चल, अच्छा सर जी सिग्नल आते हैं तुम। ये है जी माहौल, पूरा इटली माहौल। यहाँ बड़ा कैमरा लेके आना चाहिए, बहुत शानदार। वीडियो क्लियर आएगी तो बताना है जी आप लोगों ने। ये उस्ताद जी कौन सा कबूतर है? फेड़ा वाला मिस्टर ये देखें जी, डब वाला कबूतर, वही वाला बच्चा, तो वही है। कड़ी तो बता लगे हाँ जी। कामी लिखा हुआ, वाह जी वाह। मैं वहाँ से अंदर आया हूँ ना तो एक कॉर्नर पे बैठा सामने, मैं कह यार क्या बात है इस कबूतर की। ये देखें जी, बट साहब ये भी बटेरे हैं जी। ले जी ये देखें, ये भी एक बटेरा कबूतर आपको दिखाते हैं जी। हाँ जी कासिम भाई पहचान गए हैं आप, कासिम भाई भी बड़े तेज हैं, चला गया। चिकू ले आना था यार, दुमान जा यार, जितना चार्ज हो गया ले आ, जा ले आ। ये पड़ा है चिकू, हाँ तू कैमरा ले आ जा, ये तो लोकेशन ये सारी ये आज भी फिलहाल बैठा हूँ सर।
वाह जी वाह, ये ये अच्छा उस्ताद जी, जो मेरे पास फीमेल है जी, वो इनमें से? हाँ जी, बॉडी स्ट्रक्चर भी क्या है कि बिल्कुल वही सेम है ना, और फेस भी वैसा लंबा। इनके दुमे बड़ी कंट्रोल है यार, ये देखें जी स्पेशल फरमाइश ये मेरी है और उस्ताद मोहतरम मेरी फरमाइश पे यहाँ पे ये कबूतर दिखाएंगे। वहाँ पिलर पे रखें, वो पिलर पे रखो, उधर पिलर 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 उधर पिलर, यहाँ गिरे गिरे खिड़की में क्या हो, चिड़िया एक और खैर है दोनों साइडों पे जाली है। लें जी ये भी एक बहुत ही शानदार और बड़ा ज़बरदस्त कबूतर है, 210 लोग हमें देख रहे हैं जी इस वक्त। मैं नीचे बड़ा परेशान हो रहा था कि क्या वजह है कि लोग कम क्यों हो रहे हैं, 160 170 पे हैं, 200 क्यों नहीं क्रॉस हो रहा, वो पता चला जी सिग्नल्स का ज़रा जो है वीक होने की वजह, ऊपर आते ही 200 क्रॉस कर गए। थैंक यू जी। यादगार क्लब मंत्री हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में उस्ताद आशिक हुसैन साहब के ये कीमती और शानदार किस्म के बटेरे कबूतर आपको दिखा रहे हैं मंत्री हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में हमें, और हमें ये शर्फ हासिल हुआ है आज कि हम मुख्तलिफ किस्म के बटेरे कबूतरों को दिखा रहे हैं और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इनको। और ये देखिए ये लेंगे, पूरा दिल ही बना दिया, ए नज़र आ रहे बट साहब, मैनु नहीं नज़र आ रहे, मैनु लग रहा है काला काला आ रहा है, यहाँ यहाँ पे सही आएगा, ये जो साया हमारे हाथ पे पड़ रहा है ना, ये पहले इनकी आंखों में पड़ रहा था। कुछ दे दो कोई लाइक शाइक। कोर कमांडर मादी के बाप का हमने इतना थॉरली शौक करवाया ना जैन भाई, वो और वो नीचे पड़ा हुआ और हमने स्पेशल वो दिखाया उस्ताद मोहतरम की ख्वाहिश थी। ये जी उस्ताद मोहतरम का प्यार है भारत कबूतर, हमें वो खुद से ला ला के दिखा रहे हैं मलक पटेला। ये देखें जी ये डब वाले कबूतर देखे, वो कौन है रजे, उस्ताद आशिक हुसैन साहब के कबूतरों की क्या बात क्या मिसाल, बहुत ही शानदार जबरदस्त और बेहतरीन शौक है। इसके आयरस फट जाते हैं ना, नुमान हाजिर है इसको पकड़ ले यार, चलो मैं बाद में। हाँ बड़ी कलेजी सी आंख थी। ये देखें जी मैं भी आ गया, आ गए आ गए दोनों आ गए। उस्ताद आशिक हुसैन साहब के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इटली माहौल में हमें शौक करवा दिया
और ये पीर मोजी शाह साहब ने इसका नाम इटली मॉल रखा था। उन्होंने कहा था कि इटली मॉल जेड़ा ना तुझे जरूर देखना है जाके। मैं कह इटली मॉल क्या है, कह रहे चल ऊपर हमने वो बनाया वो जाकर चेक करना कैसा कमाल शौक होगा। 7 बजे के बाद तक बैठते रहे इसके बच्चे। और ये कबूतर क्या कौन से कहलाएंगे जी? जोकर ला गए। अच्छा जोकर डाबर। वाह वाह वाह, क्या बताएं क्या ये देखें जी आँख का एक दफ़ा दोबारा शौक कर लें जनाब। अफसान रजा साहब, जैन जट साहब, थोड़ा सा इसको साय में भी देख लें थोड़ा सा, और यूं भी देख लें। सैयद मोहसिन अली साहब कैसे हैं आप? रात के रही आपने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट निकाला है। दोपहर 12 बजे कबूतर उड़ाने हैं और रात 10 बजे तक बिठाने हैं। 5 बजे से पहले अगर कबूतर बैठा तो उसका टाइम नोट नहीं होगा। 3 कबूतर उड़ाए जाएंगे रावलपिंडी में। बहुत शानदार टूर्नामेंट करवा रहे हैं जनाब सैयद मोहसिन रजा साहब। और उन्होंने लिखा स्पेशल कि कहाँ है वो शौकीन जिनको शौक है रात तक कबूतर उड़ाने का। तो लिहाजा हम उन शौकीन को जितने भी ऐसे शौकीन हैं उनको दावत देते हैं जी कि आप लोग आएँ और कबूतर उठाएँ। उम्मीद करते हैं कि ये कवरेज भी आपकी मतलब हाइपलाइन के लिए मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान पर होगी। लेकिन आज की जो ये कवरेज है यादगार कवरेज है हमारी माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आ रहा। बड़ा ज़बरदस्त मॉल है ये कबूतरों का और इसके नंबर कबूतर उठ जाएंगे। ये मॉल कबूतरों की जो फड़फड़ है ना इस दिल में ऐसा सुकून और तसल्ली पैदा कर देती है कमाल कर देती है। और ये वो कबूतर हैं जो उस्ताद मोहतरम ने हमें मादा इनायत की थी उसी नस्ल में से। ये देखो नुमान साहब जो अपने पास फीमेल हैं ये उनमें से। जनाब अली भट्ट साहब मस्कत उमान कैसे हैं आप? और ये देखें जी अब उस्ताद मोहतरम दिखा रहे हैं ये कबूतर। और ये इनता एक काबिल गौर कबूतर होगा क्योंकि स्पेशली उस्ताद मोहतरम से सब्र नहीं हुआ ये दिखाने का। तो ये इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास चीज़ है। नहीं नहीं आप बताएं ना ये कौन से कबूतर है, ये क्या है? ये कॉमर्स स्पोर्ट वाले हैं। कॉमर्स स्पोर्ट वाले बटेरे ये देखें जी ये बटेरा कबूतर कॉमर्स स्पोर्ट्स वाला ये देखें। और ये दिल बन गया पूरा। वाह 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 देख रहे हैं जी एक जैसी साइज इनके और इनकी आंखें और इनका जो खोपड़ है। हाँ यूं देख रहे ये दोनों कॉमन स्पोर्ट्स वाले और दोनों बटेरे। ये पिक्चर ले ली बहुत सियाना। अच्छा ये प्योर बटेरे हैं उस्ताद। अच्छा ये ले बहुत आला माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब ज़िक्रिया मुजाहिद साहब सियालकोट से हैं और हमारे साथ हैं। बहुत आला जी ये जी मोहसिन भाई भी हमारे साथ मुस्तकिल लगे हुए हैं जो आप बेहतरीन समझें जो छत वाले हों या ये 35 वाले ये जी 35 वाले कबूतर हैं। अच्छा उस्ताद जी ये जो आप बाहर छोड़े हुए हैं ये फुट पड़े हुए हैं या वैसे ही आज निकाले हैं जरा नहा धो लें? फुट की करे अच्छा फुट किए आज का जब बस बाद ये तो बाद में कम
अच्छा 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 तो ये जो फूड कबूतर हैं ये सारा दिन सारी रात यहीं रहते हैं या पिंजरे खोल देते हैं? दिन रात इधर ही रहते हैं। बहुत जबरदस्त। टोटल तकरीबन कितने जोड़े आपके पास जो है इस वक्त पेयर्स लगे? क्रासो में 300 क्रासो में 300 और प्योर इसके अलावा वाह वाह वाह। और सबके सब इधर ही हैं? अच्छा बिल्कुल सही, लेकिन मेन चीजें यही है। मेन यही ये देखें जी, ये माता देखो सर जी, मेरी वाली की आंख बहुत अच्छी बनी। हेलो अभी दिखा रहे हैं छत वाला कोई दिखा रहे छत वाला कबूतर पकड़ो जी वो बैठा है वो बैठा बोला जी ये आया हाइट कितनी है नहीं हाइट की वजह से ना वो ऊपर हो जाता कबूतर ये पीछे आ रहा है यहाँ से उड़ाए इधर आ ये सबसे पहले तस्वीर मैंने इसकी ली है यार। हमें भी कबूतर याद रह जाते हैं, तीन तीन साल पहले की बात है और आज भी कबूतर याद है। ले जी ये छत वाले कबूतर है ये भी छत वाला आ गया जी। ये देखिए सर जी इनमें फर्क क्या है? ये दोनों सेम ही चीज़ है? सेम ही है बिल्कुल सही। अच्छा ये पूरे प्योर है उस्ताद जी? हाँ जी ये कबूतर है जी छत पर। मंथली हेल्पलाइन पिजन मैगजीन का सेगमेंट उड़ान है पहचान में हैप्पी संडे सेगमेंट आपके साथ उस्ताद आशिक हुसैन साहब के शानदार और बेमिसाल कबूतरों का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शौक पसंद आ रहा होगा। कैसा कॉम्पैक्ट साइज कबूतर है? कॉम्पैक्ट साइज मुसाफिर की तरह वो जो मतलब सियालकोट क्रास हाँ जी ये वो कबूतर है F16 जिसके YouTube पे वीडियोस आती हैं हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह में वो
लगाया हुआ है और वो उड़ के बैठ रहा है। वो इसके साथ सियालकोटी डाल के वो चीना जो है निकला था और उसके बाद से ये F-16 चलते आ रहे हैं जी। कैसा ये देखें जी, मुमताज अल खैरी ले जी, ये दुबई वाले लगाए हैं और उसके बाद ये ब्लड जो बनाया गया। और ये देखें इनके कलर कितने खूबसूरत हैं, इनको आप लाखा तो नहीं, इनको स्लेटर टाइप कबूतर कह सकते हैं। अच्छा ये लगा के इनके साथ डालना पड़ता। कैसा बैलेंस कबूतर, साइज आपके सामने है जी, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत। इतना बड़े साइज के कबूतर होने के बावजूद हल्का फुल्का कबूतर है, स्मार्ट, बहुत ज़बरदस्त कबूतर जी। हमें तो बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। और हसन एंड बसन जो है आपके कबूतर भी है हमारे, और भी ये देखें जी, ये कॉमेट वाले जो बटेरे हैं उनमें से ठीक है। ये देखिए कॉमेट स्पोर्ट्स वाले जो हैं बटेरे कबूतर कहलाते हैं, और उनमें से ये मादा उस्ताद मोहतरम ने बैठने की जगह बड़ी अच्छी है कबूतरों के, और कबूतर यहाँ पे हशाज बशाज फिट रहेंगे क्योंकि ऊपर से सारा ये दरमियान में से खुला हुआ है, जाली लगी हुई है, और इस गिर उनके जो वो खाने भी हैं उनमें भी हवा का क्रॉस बड़ा अच्छा और बड़ा मेंटेन होता है। छत वाले और अली वाले का क्रॉस, ये जी छत वाले और अली वाले कबूतरों का क्रॉस। जिन जिन को ये कबूतर पसंद आए हैं, जिन जिन्होंने हमारे ये कबूतरों वाला सेगमेंट देखा है, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन का सेगमेंट उड़ान है पहचान, उस्ताद आशिक हुसैन साहब के कबूतर, वो जरा कमेंट में सिर्फ एक एक दिल बना के भेजें, हमें भी अंदाज़ा हो गया यार आपको हमारी काविश भी पसंद आई है। ये जी मेरा ख्याल दोनों सेम है जी ब्लड में, सेम है। ये देखें अली अदर साहब बहुत शुक्रिया, फरहान बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, दिल बना के भेजें जी, ये थम्स में तो दिल आ रहे हैं। और ये देखें जी ये माशाल्लाह, बहुत ही ये जी शौक था उस्ताद आशिक हुसैन साहब का, इंतहाई शुक्रगुजार है उनके के उन्होंने हमें कीमती वक्त दिया मंथली आई फिल्म पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। उनके घर के कबूतरों का आपको शौक करवा रहे थे, मेन ब्रीडर कबूतर दिखा रहे थे जिसमें उनकी जोकर ब्रीड, कोर कमांडर ब्रीड, सिल्वर गोल्डन और गब वाले बटेरे, कॉमेट स्पोर्ट्स वाले बटेरे, अली वाले, छत वाले, जितने भी कबूतर उनके पास हैं लाखे, और हाँ उस कबूतर में उन्होंने झोकर को क्रॉस किया है। ये तमाम कबूतर आपको दिखा रहे थे, चमकर कबूतर भी कुछ दिखाए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उस्ताद खान मोहम्मद बादल साहब आई एम रियली सॉरी, आप किसी को हम पहले दिखा चुके हैं,
तो इस वक्त हम यहाँ से आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि हैप्पी संडे आप लोगों का बहुत हैप्पी हो गया होगा। अगर ये मैसेज मेरा आप लोग सुन रहे हैं तो जो जो लोग ये मैसेज सुन रहे हैं वो हैप्पी लिख के एक दफ़ा भेज दें ताकि मैं कमेंट्स में देख सकूँ कि कितने लोगों को हमारा हैप्पी संडे का सेगमेंट पसंद आया। अपने प्यार और दुआओं के साथ अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद आशिक साहब के ब्रीडिंग सेटअप से इंतहाई खूबसूरत ब्रीडिंग सेटअप से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।